हम सबके लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे हम सब के आराध्य श्रमण भगवान महावीर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में शत शत नमन। जय जय ज्योति चरण, ऐसे उद्घोषों से गुंजायमान है जिनका नाम। तेरा पंथ धर्म संघ के वर्तमान आचार्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में हम सब की भाव भीनी वंदना। कांदीवली के इस राजभवन में विराजित मुनिश्री प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी स्वामी एवं साधु वृंद के चरणों में मेरी सभक्ति वंदना। अब कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मीता जी और प्रतिमा जी पिंचा को मंगलाचरण के लिए। श्री वंदन करूं सदा निष्काम, शांति रहेगी आठोयाम, शांति रहेगी आठोयाम। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति परम प्रभु पाप निकंदन। नाथ सुपार्श्व चंद्र प्रभु सुविधि, शीतल प्रभु से चाहूं से जी। समरूनित श्रेयांश देव अरुवासु पूज्य अभिराम, शांति रहेगी आठोयाम, शांति रहेगी आठोयाम। विमल अनंत धर्म सुख का शांति कुंत वर अरिष्टहारी, मल्लिनाथ मुनि सुब्रत स्वामी, नमीनाथ ने जग नामी। वामानंदन पारस जिनवर महावीर महानाम, शांति रहेगी आठोयाम, शांति रहेगी आठोयाम। प्रातः उठ परमेशी वंदन करूं सदा निष्काम, शांति रहेगी आठोयाम, शांति रहेगी आठोयाम। हैप्पी बी पॉजिटिव वर्कशॉप्स की एक सीरीज चलाई जा रही है जिसकी आज सेकंड इंस्टॉलमेंट है। आज की इस दूसरी कड़ी का टॉपिक है बी जेलेसी फ्री। अब इससे पहले मैं आप सभी बहनों का, जो आज मौसम की अनुकूलता ना होने के बावजूद भी इतनी संख्या में यहाँ पधारी हैं, इसका ये प्रूफ है कि आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जागरूक हैं और उत्सुक हैं। तो आप सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, न द्वेष न जलन न ईर्ष्या मैं से हम तक पहुँच सके ऐसा बनाना है नज़रिया। ईर्ष्या के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ, वैसे तो देखिए मुनि श्री ही यहाँ बोलने वाले और उन्हीं को आप सबको सुनना है, पर अगर एक बात अगर कहना चाहूँ तो बस यही कह सकती हूँ कि एक ये ऐसी फीलिंग है जो अनायास ही हमारे मन में आ जाती है। ये ऐसी फीलिंग नहीं है जो हम सोचते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे, आ जाती है बस। तो और आज का जो टेक सेवी जमाना है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है, इतना सोशल मीडिया का प्रचलन है और इतना कंपटीशन कंपैरिजन है, तो जेलिसी तो एक ऐसी फीलिंग है हम सोचते नहीं उससे पहले तो आ जाती है। क्या पहना, क्या खाया, कहाँ गए, उसने ये किया, मैंने ये नहीं किया, हम सोच ही नहीं पाते कब वो हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन और फीलिंग चाहे जैसी भी हो, सही हो या ना हो, पर उसका इफेक्ट हम पे ज़रूर पड़ता है, चाहे मेंटली पढ़ो, चाहे वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली पढ़ो। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी और मुनि श्री जागृत कुमार जी ऐसे संतों का हमें यहाँ सानिध्य मिला है, जो यहाँ हर ट्यूसडे एक ऐसी वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं जो हमें ना केवल आध्यात्म से जुड़ने की प्रेरणा देती है, बल्कि हम एक स्ट्रेस फ्री, हैप्पी और कंटेंटेड जीवन कैसे जिए, इसकी गाइडेंस भी हमें यहाँ पे मिलती है।
तो अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा नम्र निवेदन मुनिश्री जागृत कुमार जी से उनके प्रेरणा पाथे के लिए। अगल बगल में ना होकर के हमको बीच में ही बैठना है और ये जितने भी रोज खाली दिख रही है पहले उसको भरना है फिर पीछे बैठना है, ठीक है। तो जितने भी पीछे वाले भी है वो भी विशेष ध्यान रख लेंगे कि ये जो आगे जो खाली पड़ी है तो आप बैठेंगे तो भर जाएगी तो और अच्छा लगेगा। तो सर्वप्रथम नौकार मंत्र से चालू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। एषो पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परिमं हवै मङ्गलं, परिमं हवै मङ्गलम्। आराध्य चरणों वंदन। उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए महिला मंडल, सांता क्रूज से भी आए हैं मेरे नाम में और बोरीवली के आसपास के जितने भी कांदीवली के क्षेत्र हैं इधर उधर से भी काफी महिला मंडल आई हुई है। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी जेलेसी फ्री, ईर्ष्या से कैसे मुक्त हो सके। क्योंकि आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का भी युग है और दुनिया में कोई भी चीज़ चल रही है तो हम सबको वो चीज़ की जानकारी मिल रही है और हर क्षेत्र के विषय में जानकारी मिल रही है। आप कौन से भी क्षेत्र में हो, आप कितने ही आगे हो उस क्षेत्र में, पर तो भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक बात तो आ ही जाएगी कि वो मेरे से और आगे है, उसका क्षेत्र और बढ़िया है। तो देखो जेलेसी ऐसी चीज़ है जिसका अंत नहीं है। एक क्रिकेटर है, हमको एक इच्छा होती है कि देखो विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, बहुत आगे है, हमको उसके विषय में भी काफी इच्छा आ सकती है, सानिया मिर्जा के बारे में भी आ सकती है। पर बात यह है जैसे हमको ये उनके प्रति इच्छा आती है वैसे उनके अंदर भी आती होगी, क्योंकि वो उनके दिमाग में भी आता होगा क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको भी पता पूरे विश्व में क्या चल रहा है। वो देखते होंगे फुटबॉलर कितने आगे होते हैं, उनका भी कितना पूरे विश्व में कितना यश है, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि मैं भी एक फुटबॉलर होता तो कैसा रहता, कितना अच्छा होता कि मैं फुटबॉलर होता। तो देखो ईर्ष्या ऐसी चीज़ है जो बहुत व्यापक है, आप कोई भी क्षेत्र में कितने भी आगे जाओ ईर्ष्या आनी ही आनी। और अपने जैन धर्म में तो आता ही है कि हम सब कौन है, छद्मस्थ है, छद्मस्थ है तब तक कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है, निरंतर उसका उदय चल रहा है, कर्मों का उदय निरंतर गतिमान है। तो ऐसे में ईर्ष्या आना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति ये बोले मुझे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं आती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो वो अपने आप को पढ़ नहीं पाता है या तो वो झूठ बोल रहा है, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। तो ईर्ष्या आएगी आएगी आएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें और जो महान व्यक्ति है उसमें क्या फर्क हो जाता है। देखो ईर्ष्या हमें भी आ रही है उनमें भी आ रही है, पर फर्क ये हो जाता है कि उन्होंने ईर्ष्या को हटा दिया, बार बार उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार उसका खात्मा करने की कोशिश करते हैं, उदय हो रहा है उसके प्रभाव से बचने की कोशिश करते हैं। पर एक व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है वो उसके प्रभाव में आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कर्म उदय में आ रहे हैं पर हम कितने भावित हो रहे हैं उससे, वो बड़ा मायने रखता है। तो उनको परेशान नहीं करते कर्म, हमको परेशान करते हैं, हम ईर्ष्या के प्रभाव में आ जाते हैं, वो ईर्ष्या के प्रभाव में नहीं आते। तो हम आज सिंपल से कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे कि ईर्ष्या जब आती है तो क्या करनी चाहिए हमको, क्योंकि हमने ये तो मान लिया कि ईर्ष्या आती है, ईर्ष्या आती है अब इसको कैसे ओवरकम करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लाई कर सको, और ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे तो आप उसको जीवन में आराम से अपना सकोगे। तो मैंने उसका एक एब्रिवेशन बनाया, क्योंकि एब्रिवेशन क्या होता है,
लोगों के दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है। और हम कितना ही बोले 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 बोले, अगर आपके दिमाग में गया भी है पर आपके पास पॉइंटर्स नहीं है, तो कोई बाहर जाकर के कोई पूछेगा कि महाराज ने क्या बताया, तो आप क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि बोले महाराज ने अच्छा तो बहुत बताया, पर बाकी का किसको पूछ लो, महाराज को ही पूछ लो। तो इसलिए ये पॉइंटर्स बहुत मायने रखते हैं, और वो पॉइंटर्स को अगर आप दिमाग में नोट कर लोगे, या सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप डायरी में नोट कर लोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो आपको लगेगा कि सब कुछ याद है, पर जैसे घर पर जाओगे क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। और ये पॉइंट्स खाली आपको काम नहीं आएगा, आपके पूरे परिवार को काम आएगा, चाहे बिजनेस से संबंधित कुछ हो, क्योंकि पुरुषों में भी आजकल जेलेसी बहुत हो सकती है, खाली ऐसी बात नहीं महिलाओं में ही होगी, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, बिजनेस में कितने कितने लोग आते हैं, कॉम्पिटिशन देते हैं, बच्चों में भी होता है, कितने कितने रैंकर्स होते हैं, सब लोगों को फर्स्ट आना है, सब लोगों को रेस लगानी, सब लोगों को कंपटीशन करना है, तो ईर्ष्या आजकल सब जगह है, ऐसा नहीं है कि खाली अमुक अमुक जगह ही है। तो एक पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं और उसका नाम है सी एन वी, जेलेसी को एन वी भी कहते हैं, ई एन वी वाई एन वी भी कहते हैं, तो सी एन वी। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को देखते हैं, सबसे पहले आता है सी। सी जो होता है उसका मतलब हो जाता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देखो ईर्ष्या जो होती है वो अक्सर कंपटीशन के कारण से आती है, जहां जहां कंपटीशन है, जहां जहां व्यक्ति को फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, रैंक लाना है, वहां ईर्ष्या आएगी ही आएगी। जैसे ही व्यक्ति को मान लो सेकंड रैंक आया, उसको फर्स्ट रैंकर से ईर्ष्या होगी। आप देखो पुराने जमाने में अपना जो एजुकेशन सिस्टम था और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत परिवर्तन है, बहुत चेंज हो गया है। पुराने जमाने का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था, गुरुकुलवास सिस्टम था। गुरुकुलवास में कभी कंपटीशन नहीं होता था, क्या चलता था, कोऑर्डिनेशन चलता था, मतलब हर बच्चे एक दूसरे को बढ़ाते थे, ऐसे नहीं तू आएगा मैं आऊंगा, ऐसे नहीं, हम सब साथ में पढ़ेंगे, हम सब रैंकर बनेंगे, हम सब टॉपर बनेंगे। पर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स को इंजीनियर्स बनाने थे, सीएस बनाने थे, अलग अलग प्रोफेशन में लोगों को इन्वॉल्व करना था, तो उन्होंने कॉम्पिटिशन चालू किया, कट रेस चालू किया, जिससे कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बना सकते। तो 50-50 लोगों का रैंक लगता था, उसमें प्लेसमेंट्स होती थी, उसमें गिने चुने व्यक्तियों को जो टॉपर होते थे उनको पकड़ा जाता था, उनके लिए प्लेसमेंट की जाती थी, उनको रिक्रूट किया जाता था। तो देखो ये जो कॉम्पिटिशन का सिस्टम है ये कौन लाया, ये ब्रिटिशर्स लाए थे। ठीक है, इसके भी कुछ फायदे है पर इसके नुकसान भी है। हेल्दी कॉम्पिटिशन अच्छा है, पर जो कॉम्पिटिशन जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। तो मैं मानता हूं कि वो गुरुकुल वाला सिस्टम जो था उसमें कंपटीशन भी होता था और कोऑर्डिनेशन भी होता था, हर बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता था, चेष्टा करता था। तो ऐसी ही एक कहानी आती है, बहुत अच्छी कहानी आती है, और रियल कहानी है कि देखो खाली जेलेसी अपने एक छोटी सी दुनिया में नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जेलेसी होती है। ब्रिटेन की बात है, एक स्टील कंपनी का मालिक था, बहुत बड़ा मालिक था, एंड्रयू कार्नेगी करके उसका नाम था, और ये रियल कहानी, एक टाइम पे किंग माना जाता था। अब हुआ क्या, उसके सामने और एक कंपनी आगे बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसके बराबर आ गई। अब मान लो अगर कोई कंपनी जो इतने सालों से काम कर रही है उसके बराबर की कोई कंपनी आ जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा, जलेसी आएगी नहीं आएगी, उसके अंदर भी ईर्ष्या भावना आएगी। अब हुआ क्या, दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों कॉस्ट कटिंग में लगे हुए। अब देखो कॉस्ट कटिंग करते करते लॉस तो दोनों को हो रहा है, ऐसा तो है नहीं एक को हो रहा, लॉस होता जा रहा, लॉस कब तक आपको परवड़ेगा। तो वो जो एंड्रयू कार्नेगी था उसने देखा, देखो कंपटीशन अब ज्यादा हो नहीं सकता, अभी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। वो गया सीधा मिलने के लिए गया, अपॉइंटमेंट लिया, आश्चर्य की बात है इतना बड़ा व्यक्ति था, मिलने के लिए जा रहा है, सामने वाले ने मना कर दिया, मैं नहीं मिलूंगा, क्या कर लेगा तू, क्या उखाड़ लेगा, ऐसे करके उसको एकदम ब्लंटली मना ही कर दिया। तो भी वो पक्का था, उसने हार नहीं मानी, वो गया जाकर के जैसे तैसे करके थोड़ी सी बातचीत की कि बोला ऐसा है मुझे आपको कुछ समय चाहिए, और ये जो समय ही आपके लिए ही है, आपके विषय में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है अपने बाहर बैठते हैं। तो बोले क्या बात है बताओ। तो बोले अपने बहुत कॉम्पिटिशन कर लिया, अभी कुछ कोऑर्डिनेशन की बात करनी है। तो बोले वो बात मत बताओ मुझे, वो मुझे नहीं सुननी है। तो बोले मैं और एक बात बताने जा रहा हूँ, मैंने सोचा है, मैंने फैक्ट्री खोली है,
और वो फैक्ट्री का नामकरण मैंने दिया है, और वो फैक्ट्री का नाम क्या है, वो आपके नाम पर उस फैक्ट्री का नाम दिया हुआ है। वो बड़ा खुश हो गया, बोले अच्छा मेरे नाम पर तुम्हारी फैक्ट्री, काम तुम करोगे, नाम मेरा होगा, कितनी बड़ी बात है। बोले ऐसे, अच्छा ऐसे करते हैं, अपने स्पेशल कैबिन में जाते हैं। कैबिन में गए, कहाँ तो वो एक सेकंड मिलने को तैयार नहीं था, और 5 घंटा उनकी मीटिंग चली, 5 से 6 घंटा उनकी मीटिंग चली, और मीटिंग में ये निष्कर्ष निकला कि हमको अभी कॉम्पिटिशन करना नहीं है, कोऑर्डिनेशन करना है, हमको एकजुट होकर के काम करना है, मिलकर के काम करना है, और दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। तो देखो जो व्यक्ति अगर मान लो ईर्ष्या कर लेता तो दोनों की दोनों कंपनी डूब जाती, उसकी तो डूबनी थी, पक्की बात थी। पर उसने क्या सोचा कि देखो ईर्ष्या करने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं मुझे हाथ मिलाना पड़ेगा, हाथ नहीं मिलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो देखो कहीं ना कहीं हर जगह पर, कहीं पर भी हम जाए तो ये चीज़ें होती रहती है, चाहे गोल्ड में भी। गोल्ड में भी कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे नीचे ही कोई नौकर है, अब वो कितने सालों से काम कर रहा है, 20-25 सालों से, कई लोगों को अनुभव होगा, 20-25 सालों से काम कर रहा है, उसको सब कस्टमर की जानकारी हो गई है, उसको मार्केट की प्राइसिंग की पता चल गई है, अब पैसा भी है उसके पास, अब वो चाहे तो अलग दुकान खोल सकता है, और उसने सब प्लानिंग भी कर दिए, कस्टमर को भी अंदर 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 में उसने अपने बना दिया, सेठ को भी पता नहीं चला। अब देखो अगर वो बंदा आपके सामने ही दुकान खोल करके बैठे तो आपको ईर्ष्या होगी नहीं होगी, जलन होगी नहीं होगी कि बोले मेरा ही थाली का खाया और मेरी थाली में क्या कर दिया, छेद कर लिया। तो देखो ऐसे में अगर आप उससे ईर्ष्या करोगे तो काम चलेगा। उसलिए कितने लोग क्या करते हैं, जैसे ही पता चलता है कि कुछ ऐसा कुछ चल रहा है तो वो उसको जाने नहीं देते, उसको क्या बोलते हैं, तेरे को ऐसे करते हैं वर्किंग पार्टनर बना देते हैं, तेरे को वर्किंग पार्टनर बना देंगे तो हमारे साथ ही काम कर और पूरी दुकान तू संभाल, सब कुछ तू कर, कस्टमर को हैंडल तू कर, जितना तेरा प्रॉफिट आएगा तेरे पर पूरा विश्वास है, तुम उस प्रॉफिट में से मुझे इतना परसेंटेज दे देना। तो देखो वो सेठ भी निश्चिंत हो गया, और सबसे बड़ी बात क्या, अभी कॉम्पिटिशन रहा, अभी ईर्ष्या भी नहीं कोऑर्डिनेशन हो गया, अब दोनों साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, और वो अपने बिजनेस को भी एक्सपांड कर सकता है। बिजनेस की बात नहीं चल रही, मैं बता रहा हूँ कि देखो ईर्ष्या जहाँ पर है वहाँ पर हर जगह तबाही तबाही, हानि हानि है, और जहाँ पर ईर्ष्या नहीं है वहाँ सब जगह समृद्धि समृद्धि है, चाहे धर्म में कह दो चाहे भौतिकता में कह दो, हर जगह की बात है वहाँ समृद्धि ही होने वाली है। फेसबुक की घटना आती है, ये अक्सर बहुत कंपनियों में चलता है, फेसबुक इतने सालों से बहुत आगे बढ़ रहा था, इतने में एक आई छोटी सी कंपनी व्हाट्सएप, जो आपकी फेमस कंपनी है, आपकी बेस्ट कंपनी है, जिस पर अक्सर आप टाइम लगाते रहते हो, इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, व्हाट्सएप आई। आपको पता है फेसबुक बहुत चलती थी और एकदम से व्हाट्सएप आई, और व्हाट्सएप ने पूरा मार्केट क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और इतनी छोटी सी कंपनी, बताते थे कि एक छोटे से रूम में पूरा हैंडलिंग चलता था, और फेसबुक की तो कितनी बड़ी एक हेडक्वार्टर्स थी, कितने कितने एम्प्लॉयज थे, तो भी फेसबुक इतनी ज़्यादा आगे नहीं आ पाई, और व्हाट्सएप कम समय में इतना आगे आ गई। अब आप देखो अगर फेसबुक वाला जेलेसी करता तो काम चलता, तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने उस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन किया, बोले ऐसा करते हैं तेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, और तेरी कंपनी जो है वो इतने बिलियन की है करीब करीब, अब इतने बिलियन की कंपनी को अगर मैं इतना बिलियन दूँ, 50 बिलियन की कंपनी को मैं अगर 100 बिलियन दूँ तो तू लेगा नहीं लेगा, वो लेंगे ही लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, तो ऐसे करके उस कंपनी को ही खरीद लिया। तो देखो कोऑर्डिनेशन किया, पूरी की पूरी कंपनी वैसी की वैसी, और जो फाउंडर था उसको फाउंडर ही रखा, साथ में को फाउंडर बन गए, तो ऐसे में वो व्यक्ति हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, कॉम्पिटिशन को कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो जेलेसी रहेगी नहीं रहेगी। तो वही बात है, C4 क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन, कि कभी भी आपको किसी के प्रति भी जेलेसी फील हो तो आपको क्या करना है, उसी के साथ मिल जाना है। कोई आगे बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं अपने भी कॉम्पिटिशन दे उसको, अपने उसके छत्रछाया में चले जाओ, भाई वो नहीं आए तो अपने चले जाते हैं ना। एक बेटा नाराज हो गया बाप से कि बोले बाप से बात नहीं करूंगा, बाप के साथ थाली में एक साथ नहीं खाऊंगा। अब बेटा तो नाराज हो गया, अब बाप अगर मान लो अकड़ करके बोलेगा कि नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, उसको मेरे पास आना चाहिए, पर बाप ने ऐसा किया नहीं, किया बाप ने क्या किया, ठीक है वो नहीं आएगा ना, मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं चला जाता हूँ। तो वही बात है, कॉम्पिटिशन नहीं करना है, क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है।
तो एक एक पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि फिर वापस रिवीजन भी होगा आपका। फिर सेकंड सी वो हो जाता है कंपैरिजन, क्योंकि देखो जितना भी जेलेसी आती है वो कंपैरिजन के कारण से आती है। जब आप कंपेयर करते हो एक दूसरे को, जब आप कहते हो कि देखो उसके पास तो 5 BHK फ्लैट है, मेरे पास कितना BHK है, 2 BHK, उसका तो इटालियन मार्बल है, मेरा तो एकदम नॉर्मल मार्बल है, थर्ड क्लास मार्बल है। तो देखो हम जब जब कंपैरिजन करते हैं तब तक आपको जेलेसी आएगी ही आएगी, क्योंकि देखो वो कितना आगे बढ़ रहा है, हम तो इधर के इधर ही रह गए। पर देखो कंपैरिजन अगर सही में आपको करनी है तो आपको किससे करनी है, खुद से करनी है, खुद से कंपैरिजन करनी है, तब जाकर के जीवन में मजा आएगा। क्योंकि व्यक्ति जब तक खुद से नहीं करेगा तब तक उसको डेवलपमेंट कैसे पता चलेगा, खुद से कैसे करनी है। आप देखो आप जब गांव से आए थे आपके पास छोटा सा घर था, छोटे से घर से आप आए, कम से कम आपने इतना किया कि आपने 2 BHK तो ले लिया। और वो जो बंदा था वो इतने सालों से उनके फोर फादर्स रहते थे मुंबई में, उनके फोर फादर्स के पास 3 BHK था। देखने की कोशिश करेंगे, आज तो सी देख लिया हमने, छोटे छोटे पॉइंट देख लिए। अब क्योंकि क्या टीजर होता है ना, टीजर वो छोटा ही होता है, तो कभी मौका लगेगा तो आपको पूरा बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। क्योंकि जब करते हैं टीज तभी तो आप हमको करोगे मिस, तभी तो आप अगली बार आओगे और हमको करोगे प्लीज महाराज हमारा मिस हो गया था, तो उसलिए हम आपको आगे बढ़ाओ। मनीषी भी बता रहे थे अपने स्थान पर खड़े होकर के, ये सिर्फ टीजर मिला है, जो आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड है कि ट्रेलर से पहले भी टीजर आता है और फिर पूरी मूवी आती है। तो इन्हीं वर्कशॉप्स के माध्यम से हर ट्यूसडे हमारी ये मूवी कंप्लीट भी होगी और ब्लॉकबस्टर हिट भी होगी। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सांता क्लूज महिला मंडल से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने स्किट के साथ स्टेज पर पधारें। तुलसी का शासन हमने पाया बेमिसाल है, तुलसी का शासन हमने पाया बेमिसाल है, संग समंदर में कीमती रत्न कमाल है। महाप्रज्ञ महाश्रमणी, महाप्रज्ञ महाश्रमणी, महाश्रमण का चमकता भाल है। पेक्षव शासन नंदन वन में, पेक्षव शासन नंदन वन में, चतुर्विध धर्म संघ खुशहाल है, चतुर्विध धर्म संघ खुशहाल है। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में शत शत नमन। मातृ हृदय असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के चरणों में शत शत नमन। अद्य विराजित प्रोफेसर डॉक्टर मुनि महेंद्र मुनि के चरणों में शत नमन। सहवर्ती साध्वी वृंद के चरणों में शत शत नमन। और विभिन्न क्षेत्रों से पधारी हुई महिला मंडल की बहनों सादर जय जिनेंद्र। कहते हैं विश्व और अमृत दोनों एक ही समंदर में हैं, विश्व और अमृत दोनों एक ही समंदर में हैं, शंकर और कंकर दोनों एक ही कंदर में हैं। जमाना चुनाव का है, जमाना चुनाव का है, सुख और दुख दोनों तुम्हारे ही अंदर है, सुख और दुख दोनों तुम्हारे ही अंदर है। हम स्किट शुरू करने से पहले, आज बहुत ही एक स्पेशल दिन है, आज हमारी नारी शक्ति की मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का 79th गुन्यासीवा बर्थ आज जन्म दिवस है। तो मैं संपूर्ण समाज महिला मंडल समाज की तरफ से और हमारे स्पेशल 13th महिला मंडल सांता कुछ की तरफ से उनके चरणों में शत शत नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका स्वास्थ्य और निरंतर सुख कुशल रहे और उनकी सुख साता पहुँचते हुए हम सब उनको शत शत नमन करते हैं। और आगे कहते हैं कि दुनिया में खुश होने के हजारों कारण हैं, दुखी होने के हजारों कारण हैं, परंतु खुश होने के भी भगवान ने बहुत रास्ते दिखाए हैं, परंतु जरूरत है तो सिर्फ उनको खोजने की, अपनी जीवन शैली को में बदलाव लाने की। तो आइए आज हम आपको ऐसा ही कुछ दो फ्रेंड्स के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। आगे ट्रिंग ट्रिंग, हेलो हेलो मोना, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र ममता, क्या हुआ नींद में है, अभी तक उठी नहीं क्या? हाँ यार रात को मूवी देखने गए थे ना तो थोड़ी नींद आ रही है। ओहो अच्छा, आज का मैसेज पढ़ा क्या? आज हमें दोपहर को 2 बजे कांदिवली सभावन जाना है, कार्यशाला रखी है ना, तो तैयार रहना, हम साथ में चलेंगे। देखूंगी कोशिश करूंगी। अरे देखूंगी कोशिश नहीं करूंगी, साथ में चलना है, ठीक है, मैं फोन करती हूँ, चलो बाय। अरे इतना लेट हो गया है, मोनू उठ उठ जल्दी स्कूल जाना है, मोनू का टिफिन बनाना है, इनके ऑफिस का टिफिन बनाना है। ओहो ये दूध भी उफन गया, हाय मेरी जिंदगी बस इसी काम में निकली जा रही है।
चलो पहले मैं परीक्षा ध्यान सुबह सुबह की प्रार्थना कर लेती हूँ। चलो सुबह सुबह का काम हो गया, अभी बच्चे सब स्कूल चले गए हैं, ऑफिस का काम फिनिश करवा देते हैं फटाफट, ठीक है। बाद में किचन का काम ही रहेगा और फिर दोपहर को आराम से जा सकती हूँ सभा वन, ठीक है। देखा आपने, ये थी एक दो फ्रेंड्स जिसमें एक नेगेटिविटी से भरी हुई थी और दुखी थी, और दूसरी ने अपने आप को प्रेक्षा ध्यान करके अपने आप को पॉजिटिविटी से भर के और विल पावर को मजबूत करके कि हाँ मैं ये जा सकती हूँ, कर सकती हूँ, और उसने अपना काम टाइम से कर लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। अरे अरे चल चल मोनू मोनू, तेरी वैन निकल जाएगी। अरे वैन 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 भी निकल गई अब। अच्छा हुआ मोनू के डैडी आप आ गए, प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए ना स्कूल प्लीज। हाश बाय, ओके अब जाके सर ही दर्द हो गया, अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा मोबाइल फेसबुक चला लेती हूँ मैं तो। ओहो देखो इसको 500 लाइक और मुझे एक भी लाइक नहीं मिलता है। वाह स्विट्जरलैंड घूमने गए ये तो, और हमें बस मूवी देखो और घर पे बैठो। हेलो, हाँ मम्मी, जय जिनेंद्र, कैसे हो? अच्छा अच्छा बाकी सब ठीक। अच्छा मम्मी सुनो ना, अभी मुझे थोड़ा सभा वन निकलना है, तो मैं आपसे शाम को बात करूँ क्या? अभी टाइम नहीं है इसलिए, ठीक है शाम को आराम से बात करते हैं, ठीक है ओके बाय। ठीक है चलो रेडी हो जाते हैं। ओहो 2 बज गई, मोना को फोन कर लेती हूँ। हेलो मोना। हेलो, चले 2 बज गई है, रेडी? क्या 2 बज गई? हाँ। अरे यार मैं तो तैयार नहीं हूँ, मेरा तो अभी सारा काम भी पड़ा है घर का। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है जा, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, सॉरी बाय बाय। देखा आपने, आप खुद ही समझ गए होंगे शायद, मेरे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो क्यों नहीं पहुंच पाई, यही आपको सिखा। अभी आपने देखा कि एक फ्रेंड फेसबुक व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट करके सभा भवन नहीं पहुंच पाई और उस आध्यात्मिक लाभ भी नहीं उठा पाई, और दूसरी ने टाइम मैनेजमेंट करके अपनी हैबिट्स को भी चेंज किया, ध्यान रखा कि कैसे फ़ोन और व्हाट्सएप पर उसने ज़्यादा बात नहीं की और अपने टाइम को मैनेजमेंट करके सभा भवन पहुँच गई। इसी तरह हम भी अगर अपना विल पावर, टाइम मैनेजमेंट और हैबिट्स तीनों को अगर अपन चेंज करके अपने आप में बदलाव लाके करेंगे तो हम जरूर आध्यात्मिक लाभ भी उठा पाएंगे, सभा भवन भी पहुंच पाएंगे। और अभी तो, और अगर अपनी हैबिट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो अभी तो हमारे प्रेक्षा ध्यान का इतना अच्छा शिविर चल रहा है, 10-10 दिन के शिविर चल रहे हैं, आप आइए उनको अटेंड करिए और अपने अंदर से बदलाव लाइए, अंदर एक आत्मविश्वास सकारात्मक माहौल पैदा करिए और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप में भरकर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर भी हैप्पी बनिए और अपने घर परिवार को भी हैप्पी बनाइए। ओम अरम। अगर जागृत मुनि के शब्दों में कहूँ तो WTH एक एब्रीविएशन हमें दे के चले गए कि विल पावर, टाइम मैनेजमेंट एंड हैबिट्स रेटिफिकेशन, अपनी हैबिट्स को बदलिए। ये जागृत मुनि के प्रेरणा पाथे का असर है कि अब हमें भी एब्रीविएशन के माध्यम से चीज़ें याद रहने लग गई हैं। अब अगले प्रस्तुति के लिए मलाड से अरुणा जी चोरेलिया। आराध्य के चरणों में नमन, विराजित मुन्नी श्री जी के चरणों में नमन, और यहाँ उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अगर मैं ये कहूँ कि आज मुन्नी श्री जी ने घाघर में सागर भर दिया तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, कितने कम समय में कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने हमें सरलता से समझा दी। कंपटीशन ना करें, कोऑर्डिनेशन करके हम अपनी जेलेसी की भावना को खत्म कर सकते हैं, बल्कि उसे पॉजिटिव एक सोच दे सकते हैं। बहनों यदि हम सचमुच जीवन में खुश रहना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी रिलेशंस को मजबूती देना चाहते हैं, तो एक नेगेटिव इमोशंस को हमें हमारी लाइफ से बाहर करना है। वो है जेलेसी, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो हमारे शख्सियत को धीरे धीरे खोखला बना देता है।
नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर आने लगती है। जैसे ही हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना बनती है, उत्पन्न होती है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव विचारों से भरने लगता है और नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। तो उस नेगेटिव एनर्जी के साथ क्या आप सक्सेस हो पाएंगे? क्या आप अपने जीवन के सही निर्णय ले पाएंगे? नहीं। तो यदि अगर हम इस चीज को छोड़कर इसके पॉजिटिव विचारों की ओर अपनी सोच को ट्रांसफर करें, अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन जब हम साथ में काम करते हैं, कोई स्टूडेंट हो, कोई कलीग्स हो, एक जैसी इक्वालिटी, एक जैसे हमारी सारी डिग्रीज, एजुकेशन लेवल, लेकिन फिर भी कभी कभी जब हमारे से आगे कोई निकल जाता है तो न चाहते हुए भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भावना बनने लगती है और ईर्ष्या की भावना आने लगती है। तो क्या करें, जबकि हमें पता है कि ये गलत है, ये नेगेटिव सोच है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह हम हमारे नेगेटिव सोच को ट्रांसफर करके उसे पॉजिटिव सोच की ओर लेके जा सकते हैं। दो फ्रेंड्स, फोटोग्राफी के माहिर, दोनों ने बेस्ट यूनिवर्सिटी से उस टेक्निक की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, बड़ी कंपनी में इंटरव्यूज के लिए गए। उस कंपनी में दो फोटोग्राफर की जरूरत थी और दोनों का सिलेक्शन हो गया। दोनों बहुत ही इंजॉय से अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन उसमें से कुछ समय बाद एक फ्रेंड काफ़ी सक्सेस हो गया, वो काफ़ी अपर लेवल पर पहुंच गया, लेकिन दूसरा फ्रेंड अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं अपने ये सब देखकर उस जो फ्रेंड ने अपने गोल को अचीव नहीं किया वो उससे जेलस होने लगा, वो नेगेटिव सोच बनाने लग गया, अरे उसकी तो किस्मत अच्छी थी, हमारी तो किस्मत ही कहाँ है, कितनी भी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला, उसके तो परिवार वाले कितना सपोर्ट करते हैं, उसने जरूर कुछ न कुछ अपने बॉस की जी हजूरी की होगी। मतलब सारे, जैसे ही उसके अंदर जेलेसी की भावना आई, उसने अपने अंदर एक नेगेटिव सराउंडिंग्स बना लिया, उसे कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा था और वो ईर्ष्या उसे जो पहले काम कर रहा था उससे भी उसे पीछे लेकर जा रही थी। क्या इस तरीके से वो सक्सेस हो पाएगा? क्या लगता है आप सभी को, क्या सक्सेस हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ये तरीका पूरी तरीके से रॉन्ग है। अगर वो सच में अपने फ्रेंड से जेलेसी की भावना छोड़कर, उस नेगेटिव इमोशन को छोड़कर अगर इंस्पायरेशन की भावना रखता, एक प्रेरणा लेता उससे कि भाई जब हम दोनों में एक जैसी इक्वालिटी थी, एक जगह से हमने एजुकेशन हासिल किया, अच्छी जगह पे जॉब लगी, तो कुछ ना कुछ उसमें मुझसे बेटर है, मेरे काम में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही, जो कुछ ना कुछ बेहतरीन टिप्स उसके पास है, वो किस तरीके से टाइम को मैनेज करके अपने गोल को अचीव किया, किस तरीके से उसने अपने मैनेजमेंट को संभाला, कौन सी न्यू टेक्निक्स यूज़ की, यदि वो ये सब काम करता और उसकी खूबियों को जानने की कोशिश करता तो वो पॉजिटिव तरीके से अपनी नाकामयाबी पर काम कर सकता था और वो आगे बढ़ सकता था, सक्सेस हो सकता था और अपनी दोस्ती के, जो उसका रिलेशन इतने सालों से था, उसे पा सकता था। तो अब आप देखिए कौन सी भावना बेटर है, नेगेटिव सोच की ओर लेके जाने वाली जेलेसी। नेचुरल कॉम्पिटिशन्स होता है, हम जब साथ में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें होता है, लेकिन जिस इंसान को हम चाहते हैं कि हम वो उसके जैसा बने, यदि हम उसे जेलेसी ना करके उसे इंस्पायर हो, उसे अपना प्रेरणा का स्रोत बना लें, तो वो हमें सक्सेस की ओर लेकर जाएगा, हमें खुशी की ओर लेकर जाएगा। याद रखिए, हर इंसान में, हर चीज़ में अच्छा और बुरा दोनों चीज़ होती है, ये हम पर है कि हम क्या चीज़ उसकी एक्सेप्ट करते हैं और किस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। यदि हम उसमें से अच्छा देखेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा, यदि हम उनके नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे तो हमारे
हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम खुश हो ही नहीं सकते, हम अपने रिलेशंस को उतनी मजबूती दे ही नहीं सकते। तो बहनों, आज के इस सेशन से हम यही सीखेंगे कि आज से हमारी लाइफ में से जेलेसी का इमोशन निकाल कर हम इंस्पायरेशंस को जगह देंगे। ओम अहम। जेलेसी को हटा के जीवन से और इंस्पिरेशंस को मौका देना है। अब अगली प्रस्तुति के लिए मीरा रोड की बहनों से मेरा निवेदन कि कृपया स्टेज पर आएं। अनंत अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति वंदना, असाधारण साध्वी प्रमुखा के चरणों में सभक्ति वंदना, अर्थ विराजित आगम मनीषी मुनि श्री महेंद्र कुमार जी, मुनि डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत मुनि के चरणों में सभक्ति वंदना, कार्यशाला में पधारी हुई सभी बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। ईर्ष्या ने ऐसा कोहराम मचाया, द्वेष से सब कुछ गवाया, इससे न तुमने कुछ पाया न मैंने कुछ पाया। आइए प्रस्तुत एक लघु नाटिका। आप मुझे ऐसा कुछ वरदान दे कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। हाँ बालिका, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ और यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी गोबर के कंडे हैं वह सारे के सारे रत्नमयी हो जाएं। तथास्तु। अरे वाह, मैं तो कुछ ही दिनों में कितनी अमीर हो गई, मैं तो अमीर हो गई। अरे अरे भावना, तुम रातों रातें इतनी अमीर कैसे हो गई इतनी जल्दी, मुझे भी बता दो इसका उपाय। अरे मुझे तो भगवान ने वरदान दिया था ना कि गोबर के सभी कंडे रत्नमय हो जाएंगे तो मैं अमीर हो गई। अच्छा, तो मैं भी भगवान से वरदान मांगती हूँ। भगवान, आप उसको जितना भी दे और जो भी दे मुझे उसका दुगुना दे देना। बस यही वरदान मैं मांगती हूँ भगवान से। अरे ये क्या, ये तो मेरे से भी ज्यादा अमीर हो गई। अब इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब भगवान से वरदान मांगती हूँ। भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी एक आंख टूट जाए, मेरा एक हाथ टूट जाए और मेरा एक पैर टूट जाए, क्योंकि इसकी दोनों आंखें टूट जाएगी, दोनों हाथ टूट जाएंगे और दोनों पैर टूट जाएंगे। तथास्तु। क्या है ये ईर्ष्या, ईर्ष्या और सिर्फ ईर्ष्या। ईर्ष्या से हम सब है परेशान, ईर्ष्या से हुआ तबाह सबका वर्तमान। आइए देखते हैं हम ईर्ष्या के तीन आयाम, क्या होता है इसका परिणाम। दूसरा क्यों तरक्की पाए, क्यों बुलंदियां छूता जाए, बस यही सोच के मैं घुटता जाऊं और स्वयं को हमेशा असफल ही पाऊं। की कोशिश जिसने आसमां को छूने की, जीवन की कठिनाइयों को झेलने की, मैंने कभी कोशिश नहीं की कुछ पाने की, बस यही सोच के मैं घुटती हूं, अपनी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं। सोचा यही लक्ष्य है मेरा, पर दिशा समझना आई, प्रमादवश देखा चारों ओर, थी गहरी खाई ही खाई, बस यही सोच के मैं घुटता जाऊं, कैसे अपने लक्ष्य को पाऊं। मन रूपी घोड़े को संतोष रूपी लगाम से कसना है, पैसे से नहीं, आचरण से महान बनना है। तुलनात्मक वृत्ति का करे परिष्कार, जितना है उसमें खुश हूँ, इस वृत्ति को करे स्वीकार, संतोष की भावना से भरे भीतर में उल्लास, नहीं लगेगी फिर कभी कोई ईर्ष्या से चिंता की क्लास। मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, असाधारण हूँ, यूनिक हूँ, इस सकारात्मक वृत्ति से लाई प्रतिभा में निखार, आत्मविश्वास को बनाए जीवन का आधार। जब पुरुषार्थ की हो भावना प्रबल, लक्ष्य पर करे फोकस, निश्चित होंगे सफल, बिना लक्ष्य के लाइफ है बेमोल, लक्ष्य के साथ जिए तो जीवन बनेगा अनमोल। संतोष
संतोष से, सकारात्मकता से और पुरुषार्थ से होता है जीवन में परिवर्तन। संतोष, सकारात्मकता और पुरुषार्थ से होता है जीवन में परिवर्तन, जिससे संभव है नव समाज का सृजन, नव समाज का सृजन। ओम आराम। मीरा रोड महिला मंडल के द्वारा, और अब जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था और जिनको सुनने के लिए हम सब कब से बहुत आतुर थे, मुनिश्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी। भिक्षुर नयन मवतारम नयतुमि नयन मवतारम नयतुमि। अनंत आस्था के केंद्र ज्योतिपुंज गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म श्रोताओं, आज हम सब लोग एक विशेष कार्यशाला में जुड़े हैं जिसका नाम क्या है, बी हैप्पी। आप में से कितने लोग खुश हैं? खुशी कहने की जरूरत नहीं होती है, खुशी तो दिखती है। तो चेहरे पर हमारी एक स्माइल हो, एवरी वाइल विथ फुल स्माइल, हम कितने मील की दूरी को पार कर सकते हैं। स्माइल एक ख्वाहिश नहीं, स्माइल एक ज़रूरत नहीं, स्माइल हमारा जीवन है। हमारा जीवन सदा हंसमुख हो, उसके लिए शायद कोई प्रेरणा की ज़रूरत नहीं, ये तो एक प्रयोग है जो हमारे जीवन का एक अभिनव अंग है। और इसीलिए हमने भी थोड़ी देर पहले बात की, प्रसन्न आत्मा भिक्षु नयन मवतारम नयतुम। हमारे नयन में सदा अवतरित हो वो भिक्षु, हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे रक्त, हमारे एक एक कण में भिक्षु का संचार हो। और वो भिक्षु कैसे, प्रसन्न मना भिक्षु। ऐसी अद्भुत प्रसन्नता हमारे भीतर नेचुरली होती है और होनी भी चाहिए। पर ये देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तब क्या करता है, रोता है कि हंसता है? शुरुआत रोने से होती है। वो रोता राग, अगर वो नहीं रोता है तो आप मतलब किसी को रुला के हंसने की बात तो शुरुआत से शुरू हो गई है। आपके बच्चे से आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी है कि बच्चा रोता है हंसते। हमारी ट्रेनिंग शायद ऐसी शुरुआत से हुई है कि किसी को रोते हुए देख के हंसना। पर वहां रोना एक आवश्यकता थी, वहां रोने के लिए हम नहीं हंस रहे हैं, हम इसलिए हंस रहे हैं कि वो स्वस्थ है, वो सुंदर है, वो ठीक है, इसलिए हम हंस रहे हैं। क्या बच्चे को मायूस देख के आपको कभी हंसी आती है? बच्चा जब बोलता है ओफो मम्मी आज तो मैं थक गया, आज तो मैं फंस गया, क्या आपको हंसी आती है? तब आपको खुशी होती है। तो खुशी के दो मायने हैं, कभी कभी रोना भी अच्छा लगता है और कभी नहीं रोना भी अच्छा लगता है। महत्वपूर्ण है वो दृष्टांत, वो किस संदर्भ में वो बात चल रही है। तो महत्वपूर्ण है, पर अगर कोई व्यक्ति देखा देखी देखेगा, अरे बच्चा जन्म लेते रो रहा था, माँ हंस रही थी, मतलब माँ को बच्चे के रोने में खुशी दिखती है, अगर कोई ऐसा मीनिंग निकालेगा तो क्या वो सही होगा? जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, जन्म के बच्चे को कभी नहीं देखा, शायद उसे ये बात सीधी समझ में नहीं आएगी। मुझे भी आश्चर्य होता है जब बहनें अपने पर्स के साथ एक और चीज लेकर कभी कभी चलती है, वो क्या है? मोबाइल। आज का टॉपिक क्या है? ईर्ष्या। और इसलिए गीत बना, ईर्ष्या तू ना गई, बहुत प्रसिद्ध हुआ। और ये बात आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप तो ईर्ष्या छोड़ो, खुशियों को पाओ। इस सेमिनार में हम जुड़े हैं क्योंकि ईर्ष्या का जाना खुशियों का आना। और जैसे शुरुआत हमने की कि एक स्माइल के साथ, मतलब खुशियां आ गई, मतलब ईर्ष्या चली गई है, बड़ा नेचुरल है। ईसा मसीह ने एक बात अपनी सुंदर कही, ईसा मसीह ने अपना एक दृष्टांत बताया कि उन्हें एक शैतान मिला था, और जब शैतान जा रहा था तो उसे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला मैं दुनिया में जा रहा हूँ कुछ बेचने के लिए। बोले क्या बेचने जा रहे हो? लोगों को ईर्ष्या बेचने के लिए जा रहा हूँ। बोला अच्छा। वो गया, फिर रिटर्न हुआ तो उसे पूछा भाई तुम रिटर्न हुए हो कैसे, कुछ माल बिका नहीं बिका? तो उसने कहा तीन लोग मिले मुझे, तीन लोगों ने परचेसिंग पावर बहुत ज़बरदस्त। आज देखते हैं कि भी कौन कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कितना बड़ा परचेजिंग पावर उसके पास। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिद्धांत है कि परचेजिंग पावर बड़ा हो, तो सबसे ज़्यादा परचेज किसने किया?
तो पहला नंबर किसका आया? स्त्रियां। दूसरा नंबर आया व्यापारी, और तीसरा नंबर आया संप्रदाय के ठेकेदार। जो संप्रदाय का वो बिल्ला लेके घूमते हैं कि मेरा संप्रदाय बड़ा है, मेरा संप्रदाय बड़ा है, मेरी जाति बड़ी है, और वो किसी दूसरे संप्रदाय को बढ़ता हुआ देखते हैं तब भी उन्हें ईर्ष्या हो जाती। तो तीन तरह की बात ईसा मसीह ने बताई। पर मुझे ये लगता है कि यहां पर कोई भी ऐसी महिला है नहीं जिसने वो परचेसिंग पावर का यूज किया, क्योंकि बहनों को परचेस करने के लिए शॉपिंग में इतनी चीजें मिलती है, ईर्ष्या को खरीदने में कौन लगाएगा टाइम? एम आई राइट और नॉट? तो आप में से कितने लोग जो ये फील करते हैं, हम तो ईर्ष्या नहीं करते। पहली बात हमने शुरू की कि हमारे अंदर प्रसन्नता आ गई है, मतलब ईर्ष्या तो चली गई। पर आप में से ऐसे कितने लोग जो ये फील करते हैं, हम तो ईर्ष्या नहीं करते पर लोग हमसे जलते हैं, लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करें? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ जो ईर्ष्या करने वालों से बचना चाहते हैं, उसका नुस्खा सीखना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ ईर्ष्या करने वालों से अपने आप को बचाना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ? पता कैसे चलेगा? आजकल वो सब वायरल हो रहा है। जब आप कोई अलग टोन में है और कोई हंस रहा है आप पर, हाँ मैंने नीचे दिखा है, कौन आपको नीचे दिखाता है आपको पता कैसे चलेगा? तो ये टेक्निक है। अगर एक व्यक्ति ये बोले तुम कैसे लग रहे हो, अरे वाह क्या रिमार्क मिला, तुम कैसे लग रहे हो, मूड खत्म। बड़ा सिंपल टोन से समझ में आ जाता है। और बहने हैं वो सबसे ज्यादा समझदार प्राणी दुनिया ने बहनों को माना गया। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? उसका बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। बच्चों का पालन पोषण कौन करता है? माँ करती कि पिता करते? दोनों करते हैं, ऐसे मत करो। पर बड़ा रोल प्ले माँ का होता है, क्योंकि माँ को यह पता है कि बच्चा देखो जैसे 6 महीने का है वो भी रोता है, 2 साल का बच्चा भी रोता है, उस रोने का कितनी बार दिन में रोता होगा, जब छोटा होता है तो कई बार रोता रहता है। आप में से कितनों के बच्चे हैं जिन्होंने कभी ना कभी रोया, जन्म के 2 महीने बाद भी? अब वो जब उसको भाषा नहीं आती है, जब वो कह नहीं सकता कि मैं क्यों रो रहा हूं, एक बोले उई माँ मतलब दर्द हुआ है, अरे माँ मतलब इसको कुछ चाहिए, समझ में आ सकता है। पर जब उसके पास भाषा ना हो, कोई लहजा ना हो, कोई तरीका ना हो कहने का, जब वो चलना भी ना जानता हो, ज्यादा कुछ एक्सप्रेशन का कोई स्किल उसके पास ना हो, तब पता कैसे चलेगा कि वो क्यों रो रहा है आज? पर माँ को पता चल जाता है कि आज इसे भूख लगी है या प्यास लगी है, आज इसको घूमना है, इसका सोना बाकी है, या इसके शरीर में अकड़न हो रही है, या उसे मालिश की जरूरत है, या आज घूमने का मन हो रहा है, या खेल खिलौने की याद आ रही है, या पिताजी के पास बैठना है, उसको क्या चाहिए? क्या माँ को पता नहीं चलता? तो बहनें कितनी होशियार होती, बहनों के पास सबसे बड़ा स्किल है ऑब्जर्वेशन स्किल। तो बहनों को ये पूछने की जरूरत नहीं है कोई मेरे से जलता है या नहीं, उसकी टेस्टिंग उन्हें सिखाने की जरूरत। पर महत्वपूर्ण ये है कि ईर्ष्या हमारे मन में आए या ईर्ष्या किसी की हमारे प्रति आए। एक छोटा सा बच्चा आया, उस बच्चे ने जो बात कही वो बड़ी शानदार थी। वो बोले मैनी पीपल आर जेलस ऑफ मी। बच्चा छोटा सा बच्चा कह रहा है कि लोगों को मेरे से ईर्ष्या है, मैं अच्छी पढ़ाई करता हूँ, लोगों को मेरे से ईर्ष्या है। उसको भी समझ में आ रहा है कि मेरे से ईर्ष्या है, उसका एक प्रॉब्लम है। तो अब 2 तरीके हैं, एक तो पढ़ना बंद, पढ़ना बंद मतलब बढ़ना बंद, एक तरीका ये है, और दूसरा है जो करे वो करे अपन मस्ती में रहे। दोनों में से कौन सा बढ़िया तरीका? हम लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि भाई पढ़ेंगे तो भी गए, पर नहीं पढ़ेंगे तो भी गए, करें क्या? और ईर्ष्यालु लोगों की कमी है क्या दुनिया में? कोई कमी नहीं। आप अपने आसपास देखेंगे तो शायद नहीं मिलेंगे, ऐसी उम्मीद रखी जा रही है। पर बड़ी महत्वपूर्ण है ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर तभी आती है जब हमें ऐसा लगता है कि हम हैं कम,
और सामने वाले में है दम। जब भी कोई हमें कमी फील होती है तो ईर्ष्या इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ है, ईर्ष्या इसलिए है कि हमारे पास कुछ कम है। तो इस ईर्ष्या को अगर हमें चेंज करना है, अगर हमारे अंदर ईर्ष्या की फीलिंग आई, पहले हम अपने आप से जोड़ के देखें, क्योंकि अपने आप से अगर जोड़ के नहीं देखेंगे हम दूसरे की ईर्ष्या के रीजन को भी नहीं समझ पाएंगे। और जब तक कारण समझ में ना आए निवारण असंभव है। तो हमें यह समझना है कि ईर्ष्या की भावना आती क्यों, बीज कहाँ है उसका। तो ईर्ष्या एक संस्कार है। एक इंसिडेंट से ईर्ष्या पैदा हुई, आपने एक बार गिफ्ट में लिया तो वो ऐसी गिफ्ट है नो रिटर्न। आप वापस रिटर्न, उसमें नो रिटर्न पॉलिसी लगी हुई है। आपने एक बार ईर्ष्या को ले लिया आप वापस दे नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रखना, शॉपिंग में आप जाते हैं कभी ईर्ष्या की शॉपिंग, और एक बार कर ली तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। उसका भारी इन्वेस्टमेंट है, पूरी लाइफ भी कम पड़ जाती है, ईर्ष्या के संस्कार कई जन्मों तक चल जाते हैं। और ये इसको कहते हैं जलना। आप में से किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है? कितने लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है? आपने जैसे बात की कि टेस्टिंग क्या है, वन ऑफ द टेस्टिंग मीटर इज एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है एक संभावित कारण ईर्ष्या का भाव। अब ये जरूरी नहीं कि आप में वो लेवल की ईर्ष्या हो, पर ईर्ष्या हर व्यक्ति में एक मिनिमल लेवल पर हो सकती है। और तत्व ज्ञान की दृष्टि से, जैन तत्व ज्ञान की दृष्टि से, हमारे भीतर जब तक एक कषाय नौ कषाय है ईर्ष्या का भाव तो रहेगा। अब ये कहना कि हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं है उसका कोई पॉइंट नहीं। अब बात है कि ईर्ष्या का निवारण कैसे करें। तो जब जब हमारे मन में किसी को आगे बढ़ते हुए देखे, हमारे मन में दो थॉट आते हैं, वो कितना आगे बढ़ रहा है, दूसरा है ना पीछे क्यों रहेगा। दोनों में से कौन सा भाव पहले आता है, कौन सा भाव बाद में आता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वो बढ़ रहा है, उसके बाद मैं पीछे रह गया हूँ ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि मुझे भी बढ़ना है। चरक संहिता में कहा गया कि ईर्ष्या बहुत जरूरी है। आप कहेंगे महाराज आप ईर्ष्या हटाने की बात कर रहे थे, ईर्ष्या बढ़ाने की बात कर रहे। मैं तो कहता हूँ ईर्ष्या बहुत जरूरी है, पर वहां पर ईर्ष्या को बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, हेतो ईर्ष्यु, हेतो ईर्ष्यु फलम न ईर्ष्यु। मतलब संस्कृत में यह कहा गया कि जब हेतु की ईर्ष्या हो तो बहुत अच्छी, तो अगर फल की इच्छा हो तो बड़ी प्रॉब्लम है। यानी अगर उसने मेहनत की उससे मुझे ईर्ष्या हुई और उसने मेहनत की मैंने नहीं की, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक मैसेज लोगे, आप मेहनत शुरू करोगे, ये बहुत बढ़िया चीज है। हम किसी को भी आगे बढ़ते हुए देखें, आगे बढ़ने के बाद उसे क्या मिला उसको फल पर ईर्ष्या ना करें, उसे क्या मिला, क्योंकि वो मिलना क्या ना मिलना वो भाग्य योग संयोग बहुत सारी चीज़ें अंदर जुड़ी हुई। उसने मेहनत की, मुझे मेहनत की कोई मनाही नहीं, तो उस मेहनत से मुझे ईर्ष्या होने लग जाए, अरे गुरुदेव ने इतनी मेहनत की इतने महान बन गए, मेरे मन में ईर्ष्या हो गई मुझे मेहनत करनी। भगवान महावीर ने 12.5 साल में एक सामायिक जितनी नींद भी नहीं ली, मुझे ईर्ष्या हो गई कि मुझे भी ऐसा कुछ बनना है, तो ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। इट इज पॉजिटिव ईर्ष्या। ये जो पॉजिटिव ईर्ष्या है वो जीवन में आनी चाहिए। तो जो नेगेटिव ईर्ष्या, भगवान महावीर तीर्थंकर बन गए हमको तो मिला ही नहीं भाई, अरे भाई मेहनत तो कर। हम लोगों के पास दो सिस्टम होते हैं, एक मेहनत से आगे बढ़े एक मन्नत से आगे बढ़े। हम क्या करते हैं, कितने लोग हैं जो पूनम को जाते हैं कहीं ना कहीं, पूनम को ये आरती करनी है, पूनम को ये करना है, आज ये करेंगे, आज ये व्रत रखेंगे, ये मिल जाएगा, ये सब क्या, ये मन्नत वाली बात है। मन्नत इंपॉर्टेंट है कि मेहनत इंपॉर्टेंट है, हम करते क्या है, ये सोचने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है, हमें ये समझने की जरूरत है कि मन्नत से ज्यादा कीमत है मेहनत की। हम उस मेहनत को करना सीखे। एक बार एक बॉस ने देखा कि मेरे सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, काम बहुत लिथार्जिक है, सिस्टमैटिक नहीं है। कई बार आप भी अपने घर में देखते होंगे जो आपके वहाँ वर्क करने के लिए आते हैं, दो चार दिन की शुरुआत में बहुत बढ़िया पकार नक्की हो गया, सब बढ़िया हो गया, फिर कभी कुछ चलता रहता है, कभी मौसी बीमार होती, कभी मामी बीमार होती, कभी दादी बीमार होती है, और जब वो कोई बीमार होती तो आप भी बीमार हो जाते हैं, आज को नहीं आवेगे बस। पहले तो वो बीमार हो गई तो ओ हो
पर इस कारण मैं नहीं आ पाऊंगी। ओफो, पूरा सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि तब तक तो आपको सिंपैथी हो रही थी कि अच्छा उसको भी बीमार हो गया, पर तू तो काम कर रही है ना ठीक, तो जैसे तो चला कि अरे बीमार तो हो गया मेरे को भी मरवाएगा आज, फिर गए। ये सोच आदमी की, पहले सिंपैथी आती है फिर एम्पैथी आती है, काश पहले एम्पैथी आती तो सिंपैथी की जरूरत ही नहीं। सिंपैथी का मतलब है दूसरों के प्रति करुणा का, हाँ अरे तेरा ठीक हो जाए ठीक है। एम्पैथी मतलब उस दर्द का अनुभव करना, जब वो काम वाले का दर्द आप पर आ जाता है और आपको भी काम वाले का काम करना पड़ता है, तब सीन चेंज हो जाता है। तो महत्वपूर्ण है कि हम एम्पैथी के लॉजिक को सीखें, मतलब हम उस दुख को पहले अनुभव करें जो हमसे ईर्ष्या करने वाला है, उसके ईर्ष्या के भाव को हम समझ जाए कि उसके मन में ईर्ष्या आना बड़ा नेचुरल है, किस कारण से वो आ रही, तब आपके मन में उसके प्रति दया का भाव है। क्योंकि ईर्ष्या वो ऐसा नहीं कर रहा है, ईर्ष्या का कारण है उसे कुछ कमी महसूस हो रही है। कमी है मतलब वो बेचारा गरीब है, जो ईर्ष्या के गरीब है मतलब वो अंदर से गरीब है, तो गरीब के प्रति कौन सा भाव आना चाहिए हमारे अंदर, दया का भाव, करुणा का भाव। वो भाव को हम प्रकट करें, इसको मेरे मन में मेरे प्रति ईर्ष्या हो रही है, इसका मतलब बेचारा गरीब है, किसी न किसी में अर्थ में संपत्ति में भाग्य में योग में कोई ना कोई प्रतिभा में वो उसमें कमी है, उसके प्रति मैं मंगल भावना करती हूँ कि उसकी प्रतिभा का भी विकास। प्रतिमा जी कहेंगे प्रतिभा का नाम ले रहे, प्रतिमा का नाम नहीं ले रहे, पर उनको ये ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा भाव है जो हम सब जीवन में सबके जीवन का एक स्वभाव बनने लग जाए, कितना कमाल हो जाए अगर हमारे मन में ये भाव आने लग जाए। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है वो बेचारा गरीब है, वो बेचारा नादान है और वो बीमार है। बीमार आदमी को क्या चाहिए, हीलिंग चाहिए, आपकी पॉजिटिव फीलिंग और हीलिंग उसको जरूरत है। आप उसको हीलिंग करेंगे तो पहले आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, जो घाव आपको लग चुकी है और वो मेरे से जलता है उसके कारण आपको भी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो पहले आप अपने दिल को क्लीन करें। अपने हार्ट को हम कितना क्लीन कर सकते हैं उसकी गरीबी को देखते हुए भी आप कितना अमीर बन सकते हो, उसके छोटेपन को देखकर आप कितना बड़प्पन ला सकते हो। जब आपके अंदर वो बड़प्पन आ जाएगा, आशीर्वाद का भाव आ जाएगा, क्षमा का भाव आ जाएगा, करुणा का भाव आ जाएगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, तब वो ईर्ष्या करे या न करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आपके अंदर से करुणा पॉजिटिविटी की तरंग जाएगी तो उसकी भी ईर्ष्या की भावना कम होगी, बदले में वो समझेंगे अरे ये तो महारानी, ये तो हमारी गुरु है, इनसे ही हमें करना अपना अभियान शुरू है। आप उनके लिए ईर्ष्या का कारण नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाए, हमें ईर्ष्या का कारण नहीं बल्कि प्रेरणा बनना है। प्रेरणा लोग आगे खाली आगे बढ़ने वाले नहीं होते हैं, जो आगे बढ़ने के साथ दूसरों को बढ़ाने की कला जानते हैं वही लोग महान बनते हैं। तो हमारे अंदर उस महानता का लक्ष्य आगे बढ़े, उस लक्ष्य के लिए लोगों की आंखें खोलनी भी पड़ती। जैसे मैं बता रहा था कि बॉस ने देखा मेरे एम्प्लॉयज बराबर काम नहीं कर रहे, ठीक सर काम नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे काम करे जो सजा हो, ऐसे जबरदस्ती आते हैं सुबह शाम बैठते पर कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। अब कितना ये करे, कितना हाथ जोड़ी करे, कितना माथा फोड़ी करे, परेशान हो गए। उसने एक उपाय निकाला, उसने अपने नोटिस बोर्ड पर लिखा कि आज उसकी डेथ हो गई। लोग बोले किसकी डेथ हो गई भाई, स्मृति सभा में जाना पड़े, किसकी मृत्यु हो गई। उसमें लिखा आज उसकी मृत्यु हो गई जिसके कारण आप परेशान थे, जो आपसे जलता था, जो आपको बढ़ने से रोक रहा था, जिसकी भावनाओं ने आपको रोका हुआ था, जो आपके आगे बढ़ने में एक अवरोधक तत्व था, उसकी आज डेथ हो गई, उसकी आज मृत्यु हो गई है। लोगों ने एक बार सुना तो पहले जब मृत्यु सुना तब वो आश्चर्य में थे, अब जब ये सुना कि मुझसे जलने वाले, मुझे रोकने वाले, मुझसे डिस्टर्ब करने वाले कि मृत्यु हो गई, तो वो खुश हुए कि नहीं हुए। उनके अंदर थोड़ी खुशी भी आई और उत्सुकता का भाव आया कि वो कौन है। और उसमें लिखा था कि कल सुबह 11 बजे इस पर्टिकुलर रूम में उसकी वो जब रहेगी और उसके लिए वहां पर रखा गया है, तो उसका आपको कॉप्स भी मिलेगा, वो करेगा, वो सब आ रहा है और यहाँ पे उसके लिए हम एक घंटा प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, उसकी बॉडी आने वाली है थोड़ी देर में।
सब लोग एकत्रित हो गए, चलो 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 आज जाना है, देखना है कौन था वो, कौन था वो जो मुझे रोक रहा था, जो मुझे टोक रहा था, जो मुझसे जलता था, वो कौन है वो ईर्ष्यालु आदमी। चलो सब लोग पहुंच गए, सारे एम्प्लॉयज रुके हुए, 10:59 हो चुकी है। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता, अंदर बॉस भी है, अंदर सब लोग पहुंच जाते हैं, सारे मोबाइल भी वहां बंद हो जाते हैं, सारी बातें बंद हो जाती है। वो देखने लग जाता क्या हो रहा है, कौन था वहां, हमको पता, और काला कपड़ा ढका हुआ है, उसको हटाया, हटाते ही क्या हुआ, वो देखता रह गया, उसको झटका लगा एक, क्या था अंदर, एक बड़ा मिरर था, एक बड़ा आईना था, उस आईने में वो कौन दिख रहा था, उस स्वयं को। वो आदमी मर गया, बोले कौन मर गया, मैं तो जिंदा हूँ, पूरा लाइफ चेंज हो गया, वो बात उसके हृदय को स्पर्श कर गई, उस आत्मा को छू गई, और बॉस ने कहा कि जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तुम्हारे प्रमोशन को रोक रहा है, तुम्हारे आगे गति प्रगति को रोक रहा है, वो कोई और नहीं है, कोई और तुमसे ईर्ष्या नहीं करता है, तुम खुद अपने आप के अवरोधक तत्व हो, वो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग है, एक समय आएगा मेरा भाग्य खिलेगा, यही तुम्हारा अवरोध है। जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलोगे, तुम्हारी दुनिया नहीं बदल सकती, क्योंकि दुनिया है वो हमारा ही एक रिफ्लेक्शन है, ये पूरी दुनिया जो हम देख रहे हैं वो सारा हमारा ही रिफ्लेक्शन है, जैसे हमें वैसे हमें पूरी दुनिया दिखती है। अगर हम खुद बहुत होशियार हैं, आपको सब लोग में होशियारी दिखने लग जाएगी, अगर आप कला प्रिय हैं तो आपको हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला है वो दिखने लग जाएगी, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कोई भी ज्ञान की बात आएगी तुरंत नोट करो, अरे ये भी ज्ञानी है, वो भी जाने हैं, अच्छा वो फीलिंग आ जाएगी। अगर आप संत हैं, आपको लोगों में भी संतता दिखने लगेगी, ये सारी सोच का कमाल, क्योंकि वो खुद गड़बड़ थे, इसलिए उन्हें लगता था कि सब लोग बेकार हैं, सब लोग मुझे रोक रहे हैं, सब लोग मुझसे जलते हैं, सब लोग मुझे रोकना चाहते हैं, पर एक्चुअल में दुनिया में कोई किसी को रोकना चाह नहीं सकता, क्योंकि उसकी चाह की कोई परवाह हमें नहीं है, क्योंकि अगर बढ़ना है, नया इतिहास गढ़ना है, तो हमें उसके लिए तैयार होना है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, और कर दिखाना होगा कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे हमारे जैसा, आपके जैसा, आपके भी जैसा, और हमारे जैसा। इस ईर्ष्या के संस्कार को हमें बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, कितने लोग मानते हैं घटाना चाहिए और कितने लोग कहते हैं बढ़ाना चाहिए, वहां तो दोनों तरफ चल जाते हो, बढ़ाना भी चाहिए घटाना भी चाहिए, क्या चक्कर है, कंफ्यूजन मामला हो गया। अच्छा हमने बताया, हमने कंफ्यूज किया। महत्वपूर्ण बात है कि पॉजिटिव ईर्ष्या को हमें बढ़ाना है, पॉजिटिव ईर्ष्या का मतलब है इंस्पिरेशन, उसके पॉजिटिव वर्ड हमारे पास है, ईर्ष्या नहीं इंस्पायर हो, हमें इंस्पायर होना है, हमें जलना नहीं सीखना है, हर व्यक्ति से, कोई आगे बढ़ रहा है उससे भी सीखना है, कोई पीछे रह गया उससे भी सीखना है, क्योंकि पीछे रह गया उसे ये सीखना है कि क्या गलत है, नहीं करना है, जो बढ़ना है उसे सीखना है कि क्या उसने हुनर, क्या मेहनत की, तो कई बार वो चीज़ें सामने दिखती नहीं, कौन कैसे बढ़ता है हमें कभी कभी दिखता ही नहीं, तो कभी हम देखते भी नहीं। एक व्यक्ति ने कंप्लेन की अपने बॉस से कि सर मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ, मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। बोला क्यों भाई, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, बड़ा मेहनती था, बड़ी मेहनत करता था, बड़ा शानदार उसका कार्यक्रम था, पर फिर भी वह छोड़ना चाहता था, क्यों? जिज्ञासा हुई कि सर क्या हुआ भाई, क्यों तुम छोड़ना चाहते हो अपने कार्य को? प्रश्न आया, उसने कहा देखो सर, मेरा कलीग है, मेरा फ्रेंड है, उसका आपने 3 दिन पहले प्रमोशन किया, हम बचपन में साथ में रहे, साथ में स्कूल में जाते, साथ में कॉलेज, इक्वल रिजल्ट आया, ऐसी की ऐसी इंटरेस्ट और ऐसी की ऐसी नौकरी, और एक ही ऑफिस में हम दोनों काम कर रहे हैं, फिर भी उसका प्रमोशन और मेरा नहीं, ऐसा क्यों? मैं मेहनत कम करता हूँ क्या? आप फेवरेटिज्म को पालन कर रहे हैं, आप ये चमचागिरी वालों को आगे बढ़ा रहे हैं, लगता है आपकी चमचागिरी करता है, आपको वो पसंद है, आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, मेरे को नहीं कर रहे हो, ये क्या है?
ये अच्छा भाव है कि ईर्ष्या का भाव? ईर्ष्या का बॉस ने कहा अच्छा तुम ऐसे लगता है, तुम मेहनत बहुत करते हो, एकदम सही बात है, और तुम्हें लगता है कि वो खिदमत करके आगे बढ़ रहा है, तुम मेहनत करके तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़। देखो तुम्हारा दोस्त बाजू में बैठा है, बैठा है, काम कर रहा है, कर रहा है, उसे हमारी बात दिख रही है, सुनाई दे रही है? नहीं। हम उसको देख पा रहे हैं, उसके बाद ना मोबाइल है, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ठीक है। अभी एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर लेते, छोटा सा ऐसा करो, उसके ऑफिस के वहाँ पे लॉक लगा दो, वो कहीं जा नहीं सकता, और ये तार निकालो, आप कोई बात भी नहीं कर सकता, वो अपना काम करता रहेगा। चाबी तुम्हारे पास है, एक काम करो, तुम बाजार में जाके ये पता करके बताओ कि आम कितने रुपए किलो है। वो गया, थोड़ी देर में आया, तो उसने कहा आम वैसे 50 रुपए किलो में है, तो मैंने थोड़ा भावताल किया, थोड़ी बातचीत की कि नहीं हमको कम में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बहनें उसमें बड़ी होशियार होती है, ऐसे बार्गेनिंग में। आजकल हालांकि मॉल में बार्गेनिंग कम है, पर लोग धनिया पत्ते के लिए बार्गेनिंग कर लेते। आपकी बात अलग होगी, आप लोग स्पेशल लोग हैं। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, ज़रा बातचीत हुई, बोले ठीक है 45 रुपये में आपको 1 किलो देंगे। वो आया, बॉस मैंने मेहनत की, शाबाशी दीजिए मेरे को। बोले क्या हो गया भाई? कई लोग शाबाशी मांगते, कई लोगों को शाबाशी मिलती। वो मांगने वालों में था, उसने बोला कि भाई देखो 50 रुपये किलो में दी, मैंने भाव तल किया और 45 रुपये में भाव पक्का करके आया। बोले अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, उसको याद करते, ताला खोलो, उसको बुला लो कि बॉस याद कर रहे हैं। वो भी आया, उससे पूछा कि भाई एक काम करना, पता करना है बाजार में कि आम कितने रुपए किलो। वो भी गया, 5 की जगह उसको 25 मिनट लगी, लौट के आया, देखो सर पहले बुलाओ आते टाइम, कितना आलसी है, कितना टाइम के काम करता ही नहीं, काम करे तो टाइम तो लगेगा इसको ज़्यादा। आया, उससे पूछा भाई क्या होगा? बोले भाई सर मैं एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आया। बोले क्या है भाई? बोले आम वैसे 50 रुपये किलो है और एक ही यहाँ पे गाड़ी है, और पूरे मार्केट में एक ही जगह आम उपलब्ध है, और वो फिक्स रेट है 50 रुपये किलो। जो थोड़ी बातचीत हुई, उसे एक डील फाइनल हुई कि अगर 10 किलो लेंगे तो 40 रुपये में देने को तैयार है, और उसके पास केवल 60 किलो का स्टॉक है, और मार्केट में आम की सीजन अभी अभी आई है, इसका काफ़ी प्राइसिंग बढ़ने वाला है, और दूसरी जगह क्योंकि सप्लायर्स नहीं है, और इसके पास जितने आम है अगले 3 दिनों में कोई भी मार्केट में नया आने वाला नहीं है, इसके अगर 60 किलो में एक साथ खरीद ले तो हम मुंह मांगे दामों में बेच सकेंगे, हमारा मार्केट, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और हमारा कंजम्पशन भी अच्छा होगा, और हमें अच्छे रेट्स मिलेंगे। वो बात उसने रिपोर्ट पेश की। अब ये बताओ कि पहले वाले ज़्यादा इम्प्रेसिव था क्या दूसरा वाला? और पहले वालों की आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा कि सर मान गए, आपकी पसंद अब मेरी पसंद। बोले आज से ये मेरा बॉस है, मैं इसका जूनियर। मुझे एक इंस्पिरेशन मिला है कि किस तरह से बात की जाती है, किस तरह सोचा जाता है, इसकी सोच और अप्रोच इसे बड़ा बना रही है, न कि कोई खुशामद या खिदमत। पूरा जीवन उसका चेंज हो गया, उसने ठान लिया कि अब से मुझे कुछ बेस्ट देना है। उसके सोच का तरीका बदल गया, उसकी नेगेटिविटी हट गई, उसके अंदर इतनी इंस्पिरेशन, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पावर आ गई कि वो आगे बढ़ता। अगर आपको आश्चर्य होगा, आगे जाकर वह कंपनी का CEO बन जाएगा। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, उसकी सीख के लिए एक शानदार, हमारे भीतर भी ये आए तभी हम ये कह सकते हैं ईर्ष्या जाने दो और खुशियाँ। तो हमारे अंदर खुशियाँ का विकास हो, हम प्रसन्नता का विकास करें, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करने वाले हैं कि किस प्रकार हम अपने आसपास की नेगेटिविटी को क्लींस कर सके, अपनी पॉजिटिविटी को रिचार्ज कर सके। छोटा सा प्रयोग, केवल 2 से 3 मिनट का है, उसके लिए गर्दन और कमर सीधी रहे, शरीर स्थिर, मन शांत, अपना श्वास लें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ चित्त की एकाग्रता,
अपने दोनों पैरों को एकदम शिथिल रिलैक्स छोड़ दें। कल्पना कीजिए समय बंद हो चुका है, ना आपको कहीं जाना है, ना आपके सामने कोई कार्य है, ना कोई जिम्मेदारी है, ना कोई दुनियादारी है। आप एकदम फ्री पक्षी हैं कि दोनों पैर एकदम रिलैक्स हैं। आपका मिड पोर्शन, पेट, छाती, हृदय और गला एकदम रिलैक्स, कमर का सारा दर्द बिना मुंह रिमूव हो चुका है, एकदम रिलैक्स अनुभव करें। अपने भीतर के मोबाइल को भी शिथिल करते हुए अपने चेहरे और मस्तक पर पूरा ध्यान वह भी शिथिल हो जाए। आपके जीवन में एक स्वर्णिम प्रभात उषा हो गई है। एक प्रसन्नता की लहर मस्तक से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर मस्तक तक, शरीर का कण कण प्रसन्नता 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 से भर गया। प्रसन्नता का अद्भुत विकास मेरे रोम रोम, मेरे कण कण में हो रहा है। सारी नाड़ियों से इस प्रसन्नता की लहर का संचार हो रहा है। प्रत्येक सेल, हर मसल, हर बॉडी पार्ट तक वो प्रसन्नता का संचार हो रहा है। इस प्रसन्नता की अनुभूति के साथ फील करें, मेरी चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बन चुका है, एक पवित्र ऊर्जा का एक आभा वलय। कल्पना करें चारों ओर ब्राइट वाइट शील्ड बन गया है, एक ऐसा पावरफुल डायनामिक फील्ड जहां आप जा रहे हैं वो आपके साथ चलता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ईर्ष्या की भावना को फिल्टर कर देता है, हटा देता है, और आपके भीतर भी एक प्रसन्नता की लहर को निरंतर बढ़ाता चला जाता है। उस शील्ड को हम और अधिक एम्पावर करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं। अरे हम सभी एक साथ उसको जोड़ने का प्रयास करें, उस गुंजायमान करें उस स्वर को, उस एनर्जी को। शक्तियों का अनुभव करें कि मेरा ये आभा मंडल पूर्ण प्रसन्नता में बन रहा है, मेरे भीतर प्रसन्नता का संचार हो रहा है, मेरे भीतर पवित्रता का संचार हो रहा है। अपने भीतर उस पवित्रता और प्रसन्नता की लगन के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ते हुए करेंगे महाप्राण ध्वनि।
पुनः एक बार अपने दोनों हाथों को आंखों के पास ले जा देंगे, अपने भीतर उस प्रसन्नता की लहर के साथ एक पवित्र मुस्कान चीयरफुल स्माइल के साथ प्रयोग संपन्न। आज की कार्यशाला में हमने देखा कि किस प्रकार से हमें दिखाने पर नहीं देखने पर ध्यान देना है, हमें दुनिया को बदलने पर नहीं खुद को बदलने पर ध्यान देना है, क्योंकि दुनिया मेरा आईना है, अगर मैं बदल गई तो मेरे लिए पूरी दुनिया बदल गई। अपनी दुनिया को बदलने के लिए हम तैयार हो रहे हैं कि यू चेंज एंड यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड। उस पॉजिटिविटी, उस पावर के साथ, एक सुंदर से मुक्तक के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है पानी छलनी में रुक नहीं सकता, कौन कहता है पानी छलनी में रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। अगर हौसला हमारा बुलंद है तो हमारी कामयाबी से हमारे फासले नहीं रहेंगे, हमारे फैसले उन फासलों को दूर करने वाले बनेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। आई एम राइट नाउ स्पीचलेस। मुझे ये जो प्रयोग उन्होंने करवाया, अभी तक ऐसा लग रहा है कि शरीर के रोंगटे खड़े हैं। मैंने वो अंदर तक महसूस किया और आशा करती हूँ आप सब ने उस प्रसन्नता को अपने अंदर महसूस किया होगा। और जैसा कि यह है, मुख्यतः हम यहाँ से आज यही सीख के जा रहे हैं कि एक पॉजिटिव एनवी होती है और एक नेगेटिव एनवी होती है, हमें किसे अपने जीवन में अपनाना है। और ईर्ष्या के कारण कई और कुछ भी हो सकते हैं, पर उसका निवारण हम आज यहाँ से डेफिनेटली अपने साथ लेके जा रहे हैं। इसी के साथ मुनिश्री का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन हर ट्यूसडे वो हमें एक इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक सोच हमारे अंदर पैदा करते हैं। और यूथ के लिए जहाँ उन्होंने एक ये नया वाय का जो एक शुरू किया है, महिलाओं का जो एक क्रम शुरू किया है, मुनिश्री आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापन करती हूँ कि हर ट्यूसडे आपने हम महिलाओं के लिए टेल अस हाउ शुरू किया है कि हम कैसे, हाउ कैन वी बी पॉजिटिव, हम कैसे इस पॉजिटिविटी को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आपने हमारे लिए ये क्रम ये शुरू किया, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार ज्ञापन करती हूँ। और आशा करती हूँ कि हर मंगलवार इस पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी की क्लास में आप सभी को हम, इस वर्कशॉप में आप सभी को हम रेगुलरली देख पाएंगे। और इसी के साथ एक और बात के लिए मैं माँ मुनिश्री जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापन करना चाहती हूँ कि आपने महिला मंडल को, विभिन्न क्षेत्रों से आई महिला मंडल को अपनी प्रस्तुति के लिए आपने उनको समय दिया, उनको मौका दिया कि वो अपनी बात यहाँ कह सके, उसके लिए मुनिश्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर और ज़्यादा यादगार बनेगा जब हम उस उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ेंगे, जो बातें हमें सुनी हैं, जानो और जाने दो ये न रहे, जानो और जियो के साथ हम आगे बढ़े। अगर जाने देना है तो ईर्ष्या को हम जाने दें, बाकी हम जाने और जिए इसी क्रम में सुने मंगल पाठ। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतोदमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतोदमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवलिपन्नतं दम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुरो सरे अचिंत्या का। आप सबको बहुत बधाई है कि आपने एक लड़ाई लड़ी आज। बोले आज किससे झगड़ा किया महाराज? बारिश से, इस खतरनाक तूफान वाले मौसम में भी आपने अपनी हिम्मत के साथ आप यहाँ आगे बढ़े हैं।
इसके लिए आप सबके लिए एक शानदार। अब महत्वपूर्ण बात है कि कितने लोगों को आज आपने इस कार्यशाला को एंजॉय किया, कितने लोग हैं इसे? अब ये कार्यशाला में आगे इनविटेशन की जरूरत रहेगी क्या? इनविटेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन जरूर हो, तो इन्फॉर्मेशन आपको अभी से दी जा रही है कि आगे के मंगलवार में एक विशेष कार्यशाला रखी गई है, उसका टॉपिक क्या है? बी बी एंगर फ्री, कि किस प्रकार आवेश मुक्ति की एक सरल युक्ति हम जीवन में लाए, हमें कुछ घर जाके करना ना पड़े, बस कुछ छोड़ने का हमें मौका मिले और अपने आप को अंदर के आनंद से जुड़ने का मौका मिले। तो बी एंगर फ्री इस कार्यशाला में विशेषकर जिन लोगों को आप देखते कि वो आप पर गुस्सा करते हैं उनको जरूर लाने का प्रयास करें, और जो गुस्सा नहीं करते उन्हें जरूर लाए, क्योंकि वो एग्जाम्पल होंगे उसके लिए। तो इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम।